वन में केक की स्टोरी थी और वॉल्यूम टू में मग की, और ये है बर्थडे वॉल्यूम टू। ये मग मुझे अभी अभी मिला है, ये टैग इस चीज़ का सबूत है। वॉल्यूम वन में मसला ये था कि उस वक्त हम सब लोगों को बुखार था, तो गिफ्ट्स वगैरह का कोई कुछ नहीं हुआ था, तो तभी ये डिसाइड हो गया था कि इसका वॉल्यूम टू कर लेंगे, दोबारा से बर्थडे मना लेंगे। तो ये तो होगी छोटी सी वीडियो, अब आते हैं असली व्लॉग की तरफ। व्हाट इज़ अ व्लॉग? अ व्लॉग इज़ बेसिकली द वे यू प्रेजेंट योर लाइफ इन फ्रंट ऑफ अदर्स और योर पर्सनल ओपिनियन ऑन अ स्पेसिफिक इशू। दिस इज़ अ व्लॉग। स्टॉप द म्यूजिक, दिस म्यूजिक। कुछ दिन पहले बिलाल कुरैशी ने ये ट्वीट किया था कि एनिमल मूवी मौला जट की सस्ती कॉपी है। मफहूम बता दें, उनके मुताबिक मौला जट जो रीमेक है, दोबारा वाला, नया वाला, वो एनिमल मूवी से बेहतर है। और ये बात उन्होंने बहुत ही शदीद अल्फाज में बोली, जिसकी वजह से वो काफ़ी रोस्ट भी हो रहे हैं इंडिया में। बट पर्सनली आई थिंक दैट उन्होंने बिल्कुल गलत बात की है। अगर उन्हें एनिमल मूवी पसंद नहीं भी आई थी तो उन्हें ट्वीट नहीं करना चाहिए था। इसके पीछे दो रीज़न थे। नंबर एक, कि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हर बंदे का अपना टेस्ट होता है। किसी को कोई मूवी टाइप अच्छी लगती है, किसी को कोई लगती है, तो इसमें इतना इशू क्रिएट करने वाली बात नहीं थी। और नंबर सेकंड पर, आपके मुल्क में बॉलीवुड मूवीज़ बैन, आपने फिर भी वो मूवी देखी है और फिर उस पर आप रिएक्ट भी कर रहे हो, तो ये तो उड़ते तीर वाली बात है। म्यूज़िक चेंज। अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, और दूसरी चीज़ है दानियाल नदीम। इन्होंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें इन्होंने निगरान हुकूमत की बेमिसाल कारकर्दगियाँ बताईं। इनके मुताबिक पाकिस्तान की इम्पोर्ट कम हो गई है और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गई है निगरान हुकूमत की वजह से, और तजारती खसारा 35% हो गया। और इसमें इन्होंने वीडियो अपलोड कर दी कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए और निगरान हुकूमत को ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिसका मोटिव ये था। इन्होंने कहा कि ये तो निगरान हुकूमत है, चेंज हो जाएगी और उसके बाद कोई और नई हुकूमत आएगी, जिसकी वजह से दोबारा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आएगी एक दफ़ा। और इसमें इन्होंने ये भी कहा कि हम सब लोगों को पाकिस्तान की बेहतरी का सोचना चाहिए, ना कि किसी एक पार्टी की तरफ जाना चाहिए। एक पार्टी। तो प्यारे भाई, आपने इम्पोर्ट कम होने के रीज़न्स पे गौर करना था ना। हम लोग इसराइली चीज़ों का बायकॉट कर रहे हैं, कंप्लीट बायकॉट कर रहे हैं। यहाँ पर आप CSD में चले जाएं ना, वहाँ पर स्नैक्स के सेक्शन में लेस और कुरकुरे, ये आपको कोई नहीं लेता मिलेगा। यूनिलीवर की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, इन पर सब के साथ कोई ना कोई डिस्काउंट मिल रहा है या फिर कोई ना कोई चीज़ मिल रही है गिफ्ट पैक। ये वजह है कि हम लोगों की इम्पोर्ट कम हो गई है। इम्पोर्ट कम होने के पीछे वो रीज़न नहीं है कि आप लोगों की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, हम लोग सफ़र कर रहे हैं पाकिस्तानी चीज़ें यूज़ करके। नॉट एट ऑल प्रोडक्ट्स, बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान की भी अच्छी हैं, और ये सब कुछ उसी शऊर की बदौलत हो रहा है जो कि उस पार्टी के चेयरमैन ने हमें दिया है, सबका चेयरमैन। वैसे तो मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाना नहीं चाहता था, लेकिन ये जो दोनों चीज़ें थी ना, ये मुझे खटक रही थी।